भाई फिर से हमें सोलो सिकुआ एंड द ब्लड लाइन का एक बार डिस्ट्रक्शन देखने को मिल गया। एंड देन भाई द ब्लड लाइन एंड द जजमेंट डे दोनों ही फैक्शन भाई एक दूसरे को फेस ऑफ करते हुए नजर आए आज मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में। एंड देन भाई रेम स्टूडियो से सोलो सिकुआ का भी मैच हुआ जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैच था। एंड देन भाई द ब्लड लाइन LWO को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुकी है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो भाई सबसे पहले हमारे द ब्लड लाइन की एंट्री होती है मंडे नाइट रॉ में। एंड देन भाई पॉल हेमन और जे उसो के बीच हमें कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड देन भाई फिर से हमें देखने को मिलता है द जजमेंट डे की एंट्री। एंड देन जजमेंट डे की तरफ से रिया रिपली एंड देन भाई द ब्लड लाइन की तरफ से सोलो सिकुआ को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि भाई ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे थे। वैसे तो भाई रिया रिपली एक वुमेन है लेकिन सोलो सिकुआ एक मैन है, लेकिन तब भी भाई रिया रिपली कहीं ना कहीं सोलो सिकुआ के सामने खड़ी हो रही थी। लेकिन भाई आज का मैच था सोलो सिकुआ रेम स्टूडियो के साथ और ये मैच शुरू होने से पहले रेम स्टूडियो की एंट्री होती है जो कि LWO की टी शर्ट पहन के आए रहते हैं। एंड देन भाई ये मैच शुरू होता है जो कि सोलो सिकुआ एंड रेम स्टूडियो का एक गजब का मैच हमें देखने को मिला। एंड देन भाई सोलो सिकुआ एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना भाई हर एक मंडे नाइट रॉ हर एक स्मैकडाउन में, क्योंकि भाई आज भी सोलो सिकुआ ने कुछ ऐसा ही डिलीवर करके दिया। और भाई रेम स्टूडियो आपको पता है कितने अच्छे सुपरस्टार हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया फाइट किए। लेकिन भाई एट द एंड सोलो सिकुआ एक बार फिर से जीत चुके हैं समोन स्पाइक लगा के। भाई मैच खत्म होने के बाद द ब्लड लाइन का अटैक हमें देखने को मिलता है रेम स्टूडियो के ऊपर, लेकिन उन्हें सेव करने आती है LWO जो कि भाई रेम स्टूडियो का न्यू फैक्शन है। लेकिन भाई उसके ऊपर भी हमें द ब्लड लाइन का अटैक देखने को मिलता है और भाई द ब्लड लाइन उन्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और भाई हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिकुआ एक बहुत ही तगड़ा वाला सैंटोस एस्कोबार को समन स्पाइक लगाते हैं जिससे कि भाई मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है। एंड देन भाई यही मैच आज का मंडे नाइट किक ऑफ किया था। और एट द एंड भाई हमें द ब्लड लाइन का स्टैंड टॉल देखने को मिलता है और भाई फिर से द ब्लड लाइन एक बार डोमिनेशन अपना दिखा दी है मंडे नाइट रॉ में। एंड देन भाई अभी बहुत कुछ होने को बाकी था। तो भाई वीडियो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो WWE से रिलेटेड आती रहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।